क्या होगा अगर आप लंबे टाइम से इसको यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि एसी को जो है 3 मंथ और 4 मंथ के बाद जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद जो है एसी को बंद कर देते हैं, उसके बाद जब भी गर्मी वापस आता है फिर से एसी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सभी टिप्स को जो है ध्यान देना होगा अगर आप लंबे टाइम से एसी को यूज़ नहीं करते हो, तो ये सभी इश्यूज़ को आप जो है फेस कर सकते हो। तो होपफुली ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डस्ट के बारे में। तो अगर आप लगातार एसी को यूज़ नहीं करते हो तो जो डस्ट जो है यहाँ पर इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट के ऊपर पड़ता है, जिससे जो फिल्टर वगैरह है, जो कॉयल वगैरह है, यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है। तो एसी को जो है लंबे टाइम के बाद यूज़ करने से पहले जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, प्लस जो एयर फिल्टर है, उसे प्रॉपरली जो है क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है एसी को यूज़ करने से पहले क्लीन करते हो तो आपको बेटर एफिशिएंसी, बेटर कूलिंग देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली एसी को अगर आप यूज़ नहीं करते हो लंबे टाइम के लिए तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बट डस्ट जो है डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो डस्ट को रिमूव करने के लिए प्रॉपरली जो है मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, जिससे एसी जो है बढ़िया तरीके से काम कर पाए। नेक्स्ट जो आउटडोर यूनिट है उसे भी जो है चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो है एयर फिल्टर को चेक करते हैं, क्लीन करते हैं, इंडोर यूनिट को भी क्लीन करते हैं, बट आउटडोर यूनिट के बारे में भूल जाते हैं। तो आउटडोर यूनिट में जो यहाँ पर लिप वगैरह है और जो डस्ट वगैरह है उसे रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो है एयर फ्लो जो है ब्लॉक ना हो, जिससे बढ़िया जो है एयर फ्लो देखने को मिल जाए। प्लस जो ड्रेनेज पाइप है उसे भी जो है प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी है, उसमें भी जो है डस्ट वगैरह है और जो लिप वगैरह है यहाँ पर हो सकता है, तो उसे भी प्रॉपरली रिमूव करना ज़रूरी है, जिससे जो ड्रेनेज पाइप है ब्लॉक ना हो। एंड जो इंडोर यूनिट है उसको भी जो है चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप लंबे टाइम से एसी को यूज़ नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले जो है एसी को जो है कूलिंग मोड में स्विच मत करना, सिंपली जो फैन मोड है उसे सिलेक्ट करना एंड एटलीस्ट जो है 10 मिनट तक फैन मोड के साथ ही एसी को यूज़ करना। इससे जो है एसी का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो पहले जो है एटलीस्ट 10 मिनट फैन मोड के साथ एसी को यूज़ करो, उसके बाद आप जो है पर कूल मोड में और ऑटो मोड सेलेक्ट कर सकते हो। फैन मोड यूज़ करने से क्या होगा, जो डस्ट वगैरह है एसी में वो सभी जो है यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, सभी जो है रिमूव हो जाएगा, जिससे एसी का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर इंक्रीज होता है। प्लस अगर आप लंबे टाइम से एसी को यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो रेफ्रिजरेंट लेवल है वो जो है कम हो सकता है। तो अगर यहाँ पर एसी में जो है लो गैस लेवल देखने को मिलता है, तब जो है एसी शायद इतना अच्छे से कूलिंग ना कर पाए और काम ना करे। तो ऑलवेज एसी को जो है यहाँ पर एक सर्विसिंग कराना ज़रूरी है, रेगुलर मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, जिससे एसी का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर गैस लीक का जो प्रॉब्लम है उसे भी फिक्स करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस जो मूविंग पार्ट है उसे भी लुब्रिकेट करना ज़रूरी है, जिससे एसी जो है काफ़ी सही तरीके से काम कर पाए, जैसे कि जो फैन मोटर हो जाए, उसके बाद जो कंप्रेसर वगैरह है उसे भी, और जो बाकी अदर कंपोनेंट है उसे भी जो है जो मूविंग पार्ट है उसे लुब्रिकेट करने से एसी जो है सही तरीके से काम कर जाएगा। प्लस जो फिल्टर वगैरह है उसे भी जो है क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसी को यूज़ करने से पहले जो एसी का जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन कर देना, जिससे आपको बेटर एयर फ्लो देखने को मिलेगा एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस बेटर कूलिंग देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। प्लस अगर लंबे टाइम से एसी यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है यहाँ पर लूज हो सकता है, तो सिंपली जो वायरिंग वगैरह है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह है, अगर लूज हो जाता है तो उसे जो है फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एसी को आप सिंपली जो है एक टेस्ट सर्किल भी आप जो है यहाँ पर रन कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली एसी को जो है ऑन करो, उसके बाद अगर कोई आपको यहाँ पर नॉइज़ देखने को मिल रहा है तो उसे भी आप जो है प्रॉपरली चेक कर सकते हो।
तो अगर कोई नॉइज़ देखने को मिल रहा है, एयर फ्लो सही से हो रहा है नहीं और सही से यहाँ पर कूलिंग कर पा रहा है नहीं, इसे आप जो चेक कर सकते हो। प्लस अगर आपको यहाँ पर कोई नॉइज़ देखने को मिल रहा है और कोई एरर कोड शो कर रहा है, तो आप सिंपली जो है पर सर्विस सेंटर में जो है कॉल कर सकते हो, इससे जो टेक्नीशियन आके जो है एसी को सही से फिक्स कर देगा। प्लस अगर आप लंबे टाइम से एसी को यूज़ नहीं करते हो तो जो रेफ्रिजरेंट लाइन है उसमें जो है यहाँ पर लीकेज हो सकता है, जिससे जो है गैस जो है पर बाहर निकल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मॉइस्चर्स के वजह से जो है बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट लाइन है और जो कनेक्शन है उसमें जो है लीकेज का जो इशू देखने को मिल सकता है, तब यहाँ पर उसे जो है फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एनर्जी एफिशिएंसी की उन्हें बात कर लेते, अगर जो एसी है काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं हो रहा है और काफ़ी पुराना मॉडल हो गया है, तो जो एनर्जी एफिशिएंसी इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू नया वन। तो यहाँ पर जो एसी है अगर काफ़ी पुराना हो गया है और यहाँ पर ओल्डर मॉडल है, तो इतना अच्छा आपको एनर्जी एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है सिंपली अगर आप चाहो तो नया मॉडल में जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। प्लस मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, अगर आप लंबे टाइम के बाद जो है एसी को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक जो रेगुलर मेंटेनेंस उसे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो सर्विसिंग वगैरह है एसी का, जो सर्विसिंग होता है एसी का, जो क्लीनिंग होता है उसे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे एसी का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो बेसिकली जो इंडोर यूनिट है, जो आउटडोर यूनिट है, प्लस जो एयर फिल्टर है उसे रेगुलर क्लीन करना ज़रूरी है, प्लस जो रेफ्रिजरेंट लेवल है उसे भी चेक करना ज़रूरी है। इससे जो है आपको बेटर एफिशिएंसी, बेटर कूलिंग देखने को मिल जाएगा, प्लस एसी का जो लॉन्गजिविटी है इंक्रीज होगा एंड आपको कम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पे करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप लंबे टाइम से एसी को यहाँ पर यूज़ नहीं करते हो, तो सबसे पहले जो है एसी में जो है डस्ट देखने को मिल जाएगा, तो एसी का जो डस्ट है उसे रिमूव करना ज़रूरी है। इसलिए आप जो है यहाँ पर सिंपली आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट एंड जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर रेफ्रिजरेंट लेवल कम है तो उसे भी जो है रिफिल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लंबे टाइम के बाद अगर आप एसी को यूज़ करना चाहते हो, तो जो रेफ्रिजरेंट लेवल है उसे भी चेक करना ज़रूरी है, जो एयर फिल्टर है उसे क्लीन करना ज़रूरी है, प्लस जो मूविंग पार्ट है उसे भी लुब्रिकेट करना चाहिए। एंड यहाँ पर एसी को यूज़ करने से पहले एटलीस्ट जो यहाँ पर 10 मिनट तक जो है फैन मोड को यूज़ करो, इससे जो डस्ट वगैरह है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, उसे भी प्रॉपरली चेक करना ज़रूरी है। तो ये सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।